आज हम बनाने वाले हैं दलिया। और देखिए इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। दलिये को मैं यहाँ पर रोस्ट कर रही हूँ। और इसके साथ हमने ले लिया है दूध, दूध गर्म करने रख दिया है। तो रोस्ट करके दलिये को दूध में डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी किशमिश, और मैंने ये बादाम को क्रश कर लिया है, और थोड़े से मैं लूंगी अखरोट। इन सभी को हम दलिये में मिलाएंगे। दलिया सही सही रोस्ट हो गया है, और रोस्ट करने से ना इसका कच्चापन खत्म हो जाता है, और दलिया जब बनाते हैं तो टेस्टी लगता है। अब हम इसको डाल देंगे दूध में, और इसके साथ मैं अभी पकने के ही डाल दूंगी किशमिश, बादाम और ये अखरोट, और इनको हम मिलाकर पकने के लिए रख देंगे। और ये सिम पर रखेंगे, और ये दलिया पकता रहेगा कम से कम 15-20 मिनट में। ये धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाएंगे इसको। देखिए अब सिम पर पकाते हुए दलिया इतना गाढ़ा हो चुका है, और अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे स्वाद अनुसार, आप जितनी भी खाएं। और अब इसको हम सर्व करेंगे। पकने के बाद 2 मिनट और पका लेंगे इसको, फिर ये हमारा दलिया तैयार हो जाएगा और सर्व करेंगे। ब्रेकफास्ट में देखिए दलिया तैयार है, और इसको ब्रेकफास्ट में आप लोग खाइए और अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए। हेल्थ के लिए तो ये बहुत ही रामबाण इलाज है। तो आप दलिया घर पर बनाएं, बच्चों को खिलाएं। नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको चने और लोबिया का नाश्ता, जिसे हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और शाम को इवनिंग में भी स्नैक्स के टाइम में खा सकते हैं। तो लोबिया की चाट बनाने के लिए मैंने एक प्याज को काट लिया है, यहाँ टमाटर लिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च, और यहाँ पर मैंने लिया है काला नमक, काला जीरा और चटनी, हरी धनिए की चटनी। तो इन्हीं सभी को हम इसमें मिलाएंगे और एक अच्छी सी यम्मी चाट बनाएंगे। लोबिया चने को देखो मैंने गरम गरम, और हल्का सा इसमें वो भी लिया है पानी इसका, बहुत ही टेस्टी लगेगा यम्मी। और इसमें मैंने प्याज डाल ली है, और हम डालेंगे टमाटर, और फिर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, जितनी भी आप खाएं, जितनी भी आपको पसंद हो। और थोड़ी सी हम डालेंगे हरी धनिए की चटनी, और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा, थोड़ा सा काला नमक, और इस पर निचोड़ देंगे हम एक आधा नींबू। लीजिए तैयार है चने लोबिया की एक यमी और टेस्टी चाट, जिसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं और शाम को इवनिंग में भी खा सकते हैं। इसका लुत्फ़ उठाइए, बनाइए, खाइए। और ऐसी ही चाट और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।